गाइस कम से कम ये सवा घंटा तो हो गया, सवा घंटे के बाद आखिर नींद आने लगी थी, आ चुका है। मैं सो गया था, मैंने सोची भाई नींद ले ली तो मूड थोड़ा हो सकता है मेरा उतरा हुआ हो। ये चीज नहीं उमर टिक्का मिस्टर चर्सी पावर मर्दाना ये Assalamualaikum, welcome back to another video। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, हम लोग ठीक हैं और आप भी ठीक होंगे। तो दोस्तों आज पिशावर की सीरीज का जो है दूसरा दिन है और हम लोग पिशावर आए हुए, दूसरा दिन हो गया और हम लोग बताएं कहाँ आए हुए, आप लोग गेस्ट करें कहाँ आए होंगे हम लोग बताएं। सबसे पहले अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से शानदार होंगे। पीछे का माहौल जरा दिखाते हैं। तो गाइस आप पहचान ही गए होंगे या नहीं पहचाने भी? नहीं अब तो पहचान गए होंगे, हमारे लोग माशाल्लाह समझदार है, पहचान गए। नहीं पहचाने भाई साहब। तो दोस्तों आज हम आए हुए निसार सिक्के के ऊपर, और भाई अगर आप पेशावर में आए हुए और निसार सिक्के पे नहीं आए तो आपका पेशावर आना बेकार है। तो इसी वजह से हम लोग ने भी जो है एक दिन जो है गुजारा करा और दूसरे दिन फौरन ही यहाँ पहुंच गए अपने वीडियो बनाने के लिए और ये चीज ट्राई करने के लिए। तो सामा बाकी का आप बताइए क्या यार। भाई अभी हमने ऑर्डर दिया है यहाँ पर 1 किलो चिकन की कढ़ाई और 1 किलो दुम्बे की सीख, क्योंकि ये दो जो है खास तौर पर दुम्बे की सीख है ना यहाँ पे वो बड़ी मशहूर है, नमक पर उसी सीख की वजह से हम लोग यहाँ है कराची से पिशावर के लिए। मैं आपको बताऊँ, मैंने आज से मैंने कभी दुम्बा चखा नहीं क्योंकि मुझे दुम्बा पसंद ही नहीं है, लेकिन खास तौर पर मैंने कहा यार ये निसार चाटी सिक्के का दुम्बा खाऊंगा आदमी भले कुछ भी हो जाए। तो भाई आज आपका भाई जो इतिहास रचने वाला है खाएगा दुम्बा, बिल्कुल बड़ी बात है उसामा दुम्बा खाएगा। तो गाइस बने रहिए वीडियो में हमारे साथ एंड तक, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। और जो हमेशा की तरह मैं आपसे गुजारिश करूंगा अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों भाई सीख के साथ मिलकर करेंगे। तो गाइस मैं आपको दिखाऊं निसार चर्ची के अंदर का एनवायरनमेंट, देखें कितना रश लगा हुआ है। तकरीबन 10:30 बजे का टाइम और बबलू मेरे साथ आओ जरा, यहाँ देखो रश दिखाओ, ये सारा सिटिंग एरिया वगैरह है यहाँ पर बैठने का। और ये भाई होते हैं हमारे यहाँ पर, और उधर देखो यहाँ कढ़ाइयाँ बन रही है, कढ़ाइयाँ यह भी दिखाओ बबलू, देखो ये लाइव कढ़ाइयाँ बन रही है। यहाँ गोश रखा हुआ है कट के, जिनका हट रहे पट्टियां लगी हुई है, उसके बाद यहाँ कढ़ाइयाँ तैयार हो रही है। वालेकुम भाई जान, क्या हाल है मामा, कैरियर से? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह भाई, भाई क्या माहौल बनाया है कढ़ाइयों का आपने? अल्हम्दुलिल्लाह निसार चर्सी नमक मंडी पिशावर भाई, खाली इसके लिए हम लोग खास तौर पे कराची से आए। मैंने कहा भाई यहाँ आजकल हमारा कस्टमर पूरा यूरोप से आते है, कराची वाला बहुत ज्यादा आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप लोगों ने पाकिस्तान का नाम ऊंचा कर दिया आपके भाई खानों ने माशाल्लाह। हम अल्हम्दुलिल्लाह एक नमक से टेस्ट बनाएगा, एक नमक से। कौन कौन सी कढ़ाई तैयार हो रही है यहाँ पर? ये सारे बगैर टमाटर वाला कढ़ाई है, शिनवारी सलेमानी जिसको बोलते। अच्छा हाँ, चिकन कढ़ाई है, ये दुम्बा कढ़ाई है, बस ये टमाटर वाला बगैर टमाटर वाला। रोश भी बनाते, मछली वाला गोश्त भी बनाते, वो जो ये मछली का गोश्त नहीं है पाव उसी का। अच्छा। प्याज वाला भी बनाते। ये नहीं उमर टिक्का मिस्टर चर्सी पावर मर्दाना ये बात कहेगा, और रात 12 बजे न बैठता
पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान कौन वो बीमार नहीं है दिल दिल का डॉक्टर कौन है निसार साहब है निसार साहब भाई हो पंजाबी भी सुन पठान भी सुन और यूरोप अंग्रेज भी सुन निसार चल सीती का पिशावर का पावा निसार चल सीती का लावा खाली चेक मारेगा चेक नहीं मारेगा हिंदुस्तान मोदी में तो गाय ये देखें ओसामा की अयाशिया देखें देख रहे हैं आप कितने देर में लेट कुछ तो बहुत हो गए हैं हमें इतना सुकून में लेट के लेटे हुए देख के हमारे सब्सक्राइबर जो हमें देख रहे हैं ये हमारे चाहने वाले बहुत खुश होंगे कि बेचारे लगे पड़े थे काम में आज बड़ा सुकून से लेटे हुए भाई वीडियो बना बना के थक गए निसार चर्सी जो रेस्टोरेंट है ये कुछ छोटा चीज नहीं है ये बहुत बड़ी है नीचे जितनी बड़ी है उससे बड़ी तो ऊपर है और ये थर्ड फ्लोर पे हम लोग बैठे हुए छत के ऊपर बहुत वीआईपी एनवायरनमेंट वगैरह है और बाकी मैं आपको एक शख्स से मिलाता हूँ वो थक गया है और ये देखें ये देख रहे हैं हमारे बबलू लेटे हुए फुल ये भी अयाशी कर रहे हैं अभी हम लोगों ने असल में ऑर्डर दिया हुआ है ऑर्डर में तकरीबन एक घंटा या डेढ़ घंटा लगता है यहाँ पर जो पहले ऑर्डर देना पड़ता है अभी हमारा ऑर्डर तैयार होके आने में कितना टाइम है कितना नहीं है हमें नहीं पता तो इसलिए हम लोग जो है आराम फरमा रहे हैं अभी जैसे आता है फिर आपको खाने की वीडियो दिखाते हैं गाइस कम से कम ये सवा घंटा तो हो गया सवा घंटे के बाद आखिर नींद आने लग गई थी आ चुका है मैं सो गया था मैंने तो उसी भाई नींद ले ली तो मुंह थोड़ा हो सकता है मेरा उतरा हुआ हो ठीक है ये वजह है बाकी ये कि हमारा सवा घंटे के बाद ऑर्डर आ चुका है बबलू जरा सा नीचे करके दिखाओ कि क्या क्या ऑर्डर आया है तो गाइस मैं आपको बताता चलूं ये है दुम्बा ये दुम्बे की सीख है एक केजी यानी एक किलो के हिसाब से ये सीख में लगा के आपको दुम्बे का गोश्त देते हैं और सेकंड में आ गया हमारे चिकन कढ़ाई अच्छा ये कढ़ाई के अंदर हमारे जो है ना कराची की तरह स्पाइसी नहीं है ये सिर्फ टमाटर हरी मिर्ची और नमक की बनी हुई इसके साथ आपको रायता मिलेगा रायते के साथ आप आ जाइए नान है और अच्छा ये नान वाले होटल वाले नहीं है ये ऐसे है कि आप जितना भी खा लो ना आपको भारी नहीं पड़ेगा ये वाले चक्की आटे का बना चक्की आटे का बना अच्छा दूसरी बात ये है इसके साथ मिली है हमें खीर यार बहुत हार्ड है तो गाइस ये देखें ये खीर है अच्छा ये इसके साथ ही स्पून दिए हुए ये और अच्छा खीर भी देखो सामान जो तुम्हें पसंद थी ना हाँ ज्यादा पकी हुई यही बात करने वाला था अभी ये ज्यादा पकी हुई खीर मैं अभी यही बात करने वाला वो चीज है तो गाइस देरी नहीं करते अपना जो है खाना शुरू करते ठंडा हो जाएगा और भूख लगी हुई बहुत खतरनाक तो सामान या सबसे पहले तुम जरा ये दुम्बा ही ट्राई करो असल इसकी वजह से हम आए असल तो दुम्बे सीख की वैसे ही आए ना यार ये देखें गाइस दुम्बा ये दुम्बे की चाप भी है कमर भी है और ये गोश्त देखें भाई ये देखें कैसा गुलाबी गुलाबी गोश्त हो रहा है दुम्बे का यार अपनी पसंद से आप यहाँ पर गोश्त कटवाएं अपनी मर्जी का और जैसा आपको खाना है चर्बी वाला बगैर चर्बी वाला दुम्बे में तो वैसे आपको पता है चर्बी के बगैर मजा ही नहीं है तो ये शुरू करते हैं पहले रूखी की ट्राई करते हैं हाँ रूखी ट्राई करो दुम्बा तो रूखा मजा करेगा यार इसमें कोई मसाला नहीं है किसी किस्म का भी कोई मसाला नहीं है सिर्फ और सिर्फ ये नमक है ये जबरदस्त नमकीन गोश्त मजा भाई देखते हैं जीजा ने तारीफ करी है ऐसी ओए होए 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 बबलू जैसा देखा हो ये कैसा रेशा टूट रहा है आ हा जालिम गोश्त भी आप देख सकते हैं बेहतरीन लग रहा है गोश्त अब बस ऐसे ही ट्राई करेंगे तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मसाला कुछ नहीं है इसमें मीट का आएगा आ रहा भाई जो मीट है ना अच्छा इसमें अच्छा नमक भी इसमें वो नहीं है कि ओवर है नमक भी बिल्कुल थोड़ी मिकदार के अंदर है मैं जो मजा करता हूँ बताओ जी इनका नमक भी स्पेशल होता है वो मसाला नमक नहीं जो हम इस्तेमाल करते हैं इनका नमक अलग आता है बिल्कुल जो इस पर फेरते हैं यूं करके चटकते हैं ना भाई अच्छा मैं आपको एक चीज और दिखाऊं ये देखें इनका जो ये रायता है ना मैंने भी चखा है यार रायता बहुत आउट क्लास है यार ये समझो सिर्फ दही है दही के अंदर धनिया पुदीना डाला हुआ और भाई इस तरह खाने का मजा ही अलग है तो भाई अब जरा अब आप कढ़ाई की तरफ भी आ जाते हैं आप कढ़ाई बेचारे इंतजार कर रही है हमारा आप बड़े हैं सर आप ट्राई करें भाई ये है सिर्फ जैसा बताया अभी जीजा ने टमाटर में बनी है ये देखा टमाटर हरी मिर्च और नमक बोटी हटाओ ये टमाटर नजर आ रहे होंगे आपको टमाटर ये टमाटर की वैसे ही लाल हुआ वैसे पीसी मिर्ची नहीं डली हुई तो भाई इसको चिकन को तोड़ते हैं
भाई अच्छा चिकन भी अच्छी खासी टेंडर है, ज्यादा मतलब मेहनत करना नहीं पड़ रही भाई। अब जरा सा शोरबा इसका रोगन लेते हैं नीचे से। हाँ ये इस पर रखी एक हरी मिर्च, क्योंकि इसमें अपनी पिसी मिर्च वगैरह कुछ डली हुई नहीं है भाई। क्या कह रहे हो तुम्हें समझ में आ रही है, तो तुम्हें स्पाइसी चीजें पसंद है? मतलब ये हम जहाँ आए मैं ना, यहाँ पे मसालों का इतना इस्तेमाल है ही नहीं, इतना क्या है इसके आप बात करो ही नहीं, इतना क्या यहाँ पर मसालों को मसाले साइड में करते हैं ना, तो भाई ये बड़ी बेहतरीन बनी हुई है कढ़ाई। अगर आप मसालों को सोचोगे कि जैसे कराची में पीसी मिर्चे मसाले डले होते वो सोचोगे तो फिर काम बेकार है। आप जहाँ आए आप उसके हिसाब से बात करो। अच्छा मेरे उसके हिसाब से बहुत अच्छी लगी। सामने जरा दही दिखाऊं, ये दही देख रहे हैं आप, ये मतलब सिर्फ दही है, दही को जो है ना धनिया पुदीना डाला हुआ है और जीरा डाला हुआ है और ये गाढ़ी है। और दूसरी बात बताए क्या, हम लोग जैसे कढ़ाइयां बनती है और जगहों पे, हम घरों में बनाते हैं दही डालते हैं मसाला बनाने के लिए ग्रेवी के लिए, लेकिन इसमें आप देखिए ग्रेवी इतनी नहीं है, सिर्फ बोटियां बोटियां आपको ग्रेवी जो ढूंढना पड़ेगी तो वो रोगन आपको मिलेगा या टमाटर थोड़े से मिलेंगे। लेकिन क्या भाई यही यहाँ की खासियत है, ये हम मसाले तो हर जगह खाते ही है ना, लेकिन यहाँ बिना मसाले के भी इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है तो भाई लाजवाब चीज है, बेहतरीन यार, बहुत मजा आ गया सच्ची बात है। तो गाइस मैंने तो भाई दुम्बा और चिकन वगैरह खा ली, बड़ा मजा आया माशाल्लाह। खास तौर पे दुम्बा लगा ना भाई बहुत आउट क्लास लगा, क्योंकि टेंडर था, ऐसा नहीं था कि आधी से काटना पड़े दांतों से खींचना पड़े, आराम से इजीली टूट रहा था। और भाई बात तो ये है कि दिखाई दिया ना बबलू तुमने कुछ नहीं छोड़ा अपन ने, है सब निपटा डाला है, तो भाई माशाल्लाह इनके खाने तो अच्छे थे। और जीजा देखो अभी तक लगा हुआ था, इस मतलब ये खाने अच्छे हैं, लेकिन मेरी जो नजर थी ना मैंने कहा भाई इससे पहले ये उठाया खीर, खीर उठा लो, क्योंकि खीर मेरे को पिशावर की बड़ी पसंद है, जो ये एकदम पकी हुई पक पक के जो येलो हो जाती है ना ये बड़ी अच्छी लगती है। तो यार बबलू जरा आपका करीब ला के दिखाना खीर, ओए होए देख रहे हैं बबलू खीर देख जेली की तरह है भाई बिल्कुल, ओए होए 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 ये तोड़ने इसको तो तोड़ने में मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है केक तोड़ना। तो भाई इसका टेस्ट करते हैं, दिखने में बहुत अच्छी लग रही है, देखो हो गए क्या खीर में ना मीठा जरूरत से ज्यादा कम हो रहा है, कम हो रहा है जबकि मैं कम मीठा खाता हूँ, लेकिन यार ये ना उससे थोड़ा ज्यादा ही कम हो रहा है। नहीं तेरे मतलब की नहीं, जब मेरे मतलब की नहीं तो तेरे तो हो ही नहीं सकती, पर इसका जो बनी हुई है ना बनने का ऐसा लग रहा था भरपूर दूध वगैरह हर चीज डली हुई, उन्होंने अपने हिसाब से मीठा थोड़ा सा कम है, सकता है आज हो ऐसा इत्तेफाक हो गया थोड़ा मीठा कम हो गया, मीठा कम है। तो बाकी यार बबलू जरा कावा शावा भी आया है इतना माशाल्लाह, वो खाया हमने चिकनाई वाला खाना, जरा कावा भी तो निकाल दे तो खा लो पहले। तो मैं आपको बताता चलूं यहाँ पर जो है आपको जब भी आए कराची वालों के लिए खुद कराची वालों से मुखातिब हैं, कराची वाले जब भी आए तो जरा देख लीजिएगा मसाला बिल्कुल भी नहीं होगा, जो भी चीज आप यहाँ पर लेंगे नमक की बनी हुई है या कढ़ाई के अंदर सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च डाली हुई, अगर आप कंपेयर करोगे कराची से तो वो बेकार है बिल्कुल ही, बात अलग है कंपेयर करने वाली बात रही। इसका इस चीज में बना हुआ बड़ा वीआईपी जायका आ रहा है। और दूसरी बात सबसे बड़ी बात ये मैं बताता चलूँ, जो मतलब जिनकी खुराक कम है और थोड़ा खाते हैं तो उनके लिए बताता चलूँ, एक कोई भी चीज लेनी है कम से कम एक केजी लेना पड़ेगी, एक केजी से कम कोई भी चीज नहीं है यहाँ पर। आप पहले आप आए नीचे गोश्त अपने मतलब का तुलवाएं कम से कम एक किलो, उसके बाद आप जो है अपने मतलब से कोई भी चीज बनवाए। बारह लोग सामान हम लोग दानिश कावा तो उठा यार, कावा तो पिए यार तुमने इतना मेरे को, अरे खीर भी खाते रहेंगे सारी चीजें एक साथ, मैं तो हर चीज एक साथ खाता हूँ यार। ये देखें राइस कावा, अच्छा ये चीजें खाने के बाद कावा तो लाजमी है, जरूरी है यार कि इतना जब हेवी खाना आप खाओगे तो कावा चाहिए हजम करने के लिए, हजम और ये जो है ना थोड़ा सा हेवी हो जाता है तो ये आपके लिए कावा बहुत बेहतरीन चीज। तो भाई इतना माशाल्लाह हर चीज खा लिया, मीठा भी खा लिया, अब ये जरा कावा टेस्ट करना है भाई। बिस्मिल्लाह कावा ये है कि कावा जैसा ही है, लेकिन क्या ये फायदेमंद है, अब भले आपको टेस्ट समझ में ना आए लेकिन फायदेमंद है, जाहिर कुछ चीजें फायदे के लिए भी खानी चाहिए यार, टेस्ट नहीं देखना चाहिए हर बार। तो गाइस मैं आपको एक चीज और बताता चलूं, फिर अभी ये रायता जो देख रहे ना कावा पीने से पहले आप ये रायता लाजमी, ये रायता खट्टा नहीं है, ये ना स्पाइसी है, रायता नहीं,
गाड़ी दही है उसके अंदर जीरा और पुदीना, ये जो है ना खाने के बाद ये हजम करता है, ये लाजमी था और ये सबसे ज्यादा वीआईपी लग रहा है। तो सामने का गला खराब है और सामने तो खाएगा। दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, जरूर लाजमी। और आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके लाजमी बताइएगा हम लोगों को, क्योंकि ऐसे दूर आके हम लोग आप लोगों के लिए ये कॉन्टेंट बना रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। आप कहोगे या मैं नहीं, आप खत्म करो, मैं तो बहुत कुछ कह चुका हूँ, कावा पी रहा हूँ यार, हजम करना है मुझे गाइस। इंशाल्लाह मिलते हैं, अभी हम जो है सुबह यहाँ से जाएंगे सवार। तो आज हमारा पिशावर में आखिरी दिन था, सुबह 7 बजे हमारी गाड़ी है, हम सवार जाएंगे, बाकी आपसे मिलते हैं सवार में इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़।